अब फ्रेंड्स हम देखते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? आ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स इफ ऑल इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट आर जीरो। बेसिकली हमारे पास सबसे पहले चाहिए डायगोनल मैट्रिक्स के लिए उस मैट्रिक्स का स्क्वायर मैट्रिक्स होना, यानी नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। सपोज हम ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स होने के लिए क्या होना पड़ेगा? एम बराबर एन होना पड़ेगा। अगर एम बराबर एन हो तो उस कंडीशन में ये जो मैट्रिक्स होगा हम उसको हम एम क्रॉस एम मैट्रिक्स या एन क्रॉस एन मैट्रिक्स पढ़ सकते हैं। तो ये हमारे पास ये कंडीशन हो तब उस कंडीशन में एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा। अब नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे फ्रेंड्स? नॉन डायगोनल एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट होंगे जहाँ पे ए आई जे जो एलिमेंट्स हैं इनमें आई नॉट इक्वल टू जे हो। ऐसे एलिमेंट जहाँ आई नॉट इक्वल टू जे हो वो नॉन डायगोनल एलिमेंट होंगे। और अगर ये नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो हो सभी तो उस कंडीशन में हम कहेंगे कि मैट्रिक्स जो है वो डायगोनल मैट्रिक्स है। फ्रेंड्स हम यहाँ डायगोनल एंट्रीज, यानी डायगोनल एंट्रीज क्या होती हैं? जहाँ पे i इक्वल टू j हो, जैसे ए वन वन, ए टू टू, ए थ्री थ्री और ए एम एम। तो ये जो एंट्रीज जो होती हैं ये डायगोनल एंट्रीज होती हैं। अब नॉन डायगोनल मैट्रिक्स के लिए हम बेसिकली नॉन डायगोनल जो एंट्रीज हैं वो जीरो होना कंपलसरी है। ये ज़रूरी नहीं है हमारे पास कि उसके डायगोनल एंट्रीज को हम चेक नहीं करते, वो जीरोज हैं नॉन जीरोज हैं तो इस कंडीशन हम चेक नहीं करते। तो इससे हम कह सकते हैं कि जैसे सपोज कि जीरो मैट्रिक्स, यानी ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सभी रो एंड सभी कॉलम जीरो हो, वो भी हमारे पास एक डायगोनल मैट्रिक्स है। और इस यूनिट मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स वन हो तो वो भी हमारे पास एक डायगोनल मैट्रिक्स है। एंड डायगोनल एंट्रीज अगर सभी वन हो तो इस कंडीशन में वो मैट्रिक्स भी डायगोनल मैट्रिक्स है। यूनिट मैट्रिक्स जो होता है वो भी हमारे पास एक डायगोनल मैट्रिक्स होता है।